इंडस्ट्री में से मैं उनसे बात करना चाहूंगा। रेखा जी प्रणाम, कैसी हैं आप? मैं तो जी रहा हूं, कोई बात नहीं। मैं आपसे एक बात पूछना चाहूंगा। थैंक यू सो मच फॉर योर ब्लेसिंग्स। जी मैंने आपको फोन किया था आपसे बात करने लिए, एक बार पता नहीं आपने मतलब रिसीव भी नहीं किया। क्या कहीं भी नहीं, आंसरिंग मशीन से बात हो। हाय दिस इज योर रेखा, यू कैन कॉल मी। नो दैट्स नॉट ट्रू, नंबर किसने दिया आपको? आपसे बात पूछनी थी। मैं इंग्लिश में बात करूं, आप इंग्लिश में जवाब दीजिए ना। Why not? You know I can speak English non-stop. You can't even imagine for how much time. Till my last breath. You mean you can talk English, you can walk English, and you can breathe English? I can speak English till next film fair. कुछ मेरे डायलॉग्स हैं जो मतलब मेरे को बड़े अच्छे लगते हैं। मैं ऐसे ही रेखा जी विद ड्यू रिस्पेक्ट जी एक आपको डायलॉग दूंगा जी, अगर आप उसको बोल पाए शत्रु सर के स्टाइल में थोड़ा सा। मंगल का खून को लेमन सोडा ने जब थर से खोला भर से पी गया। मैं माइक पकड़ता हूँ मैम, आपके लिए माइक पकड़ता हूँ मैं, क्योंकि माइक पकड़ के तो शत्रु सर बोल ही नहीं सकते ना, दोनों हाथ यूज करने। मंगल का खून कोई लेमन सोडा ने की थर से फूटा और फर से फूटा। क्या बात है, जोरदार तालियां रेखा जी के लिए। और आपने तो मतलब सोडा और बड़ा कमाल का खोला, थर से कर दिया। तो लग रहा था कि सोडा 300 ml का नहीं 500 ml का है। सो स्वीट मैम, थैंक यू सो मच। यहाँ पे हमारे बहुत सारे दोस्त जो हैं स्टार्स यहाँ पे बैठे हुए हैं। वही शिल्पा, शिल्पा तो बहुत शरारती है, और आजकल तो शिल्पा ये रजाइयां तलाइयां साथ में क्यों लेके आई हैं आप? अच्छा ड्रेस है आपकी, बहुत ब्यूटीफुल लग रही हैं आप। एज यूर विल राज एट होम, ये तो राज इज कपिल, क्या बात है एट होम। इतना इतना सारा वेट, आप मुझे उस दिन मेरी बेइज्जती करके गई थी, आप मेरे मेरा बुक पढ़ रहे हो हर जगह प्रमोशन। आई लाइक दिस एटीट्यूड। सीख रही हूं मैं। अच्छा व्हाट इज राज डूइंग एट होम? स्लीपिंग। इतनी ब्यूटीफुल बीवी हो, वो अकेला सो रहा आदमी। आई मीन मैं घर जा रही। अरे मुझे बात बताइए, जो 1500 वाले जो बंद हुए हैं, आपकी जिंदगी पे कोई असर पड़ा उसके? मतलब अनिल जी से पूछते। अनिल सर को तो कोई फर्क नहीं पड़ता, दुनिया इधर की उधर की हो जाए, वो तो जवान के जवान ही है। क्यों अनिल सर, आप तो आप कभी लाइन में लगे हो अनिल सर? सीरियसली लगा हूं मैं लाइन में। अनिल सर ये डायलॉग ना मुझे आपके स्टाइल में सुनना है। रेखा जी के बाद मैं नहीं कर सकता, ऑल ग्रेट एक्ट्रेसेस, उसके बाद मैं क्या है? क्या अच्छा दूसरों को सीनियर बोल बोल के ना आप ये बताना चाहते कि मैं अभी भी यंग हूँ? क्या बात है सर, आई लव यू। अभी सोनम विद्या जी, ओहो इधर तो वाह वाह वाह, बल्क में एक्ट्रेसेस बैठी हुई यहाँ पे। विद्या जी अपने फैंस के लिए हाय बोल दीजिए। हाय एवरीवन। सोनम की इंग्लिश इतनी अच्छी है, सोनम मैं आपको एक डायलॉग देता हूँ, आपको खाली उसको ट्रांसलेट करना है इंग्लिश में, कि जली को आग कहते हैं, भुजी को राख कहते हैं, जिस राख से बने बारूद उसे विश्वनाथ कहते हैं। जली को आग कहते हैं, तो दैट इज व्हाट इज बर्नड इज बर्निंग इज फायर, दैट इज व्हाट। दिखाओ जली को आग कहते हैं। दिखाओ तो हिंदी में लिखा है, मैंने हिंदी में लिखा ना, मैं हिंदी में तो बहुत अच्छे से, फिर नीचे मैंने इंग्लिश में भी लिखा, वो पढ़ लोगे। लड़कियां देखी नहीं कि रोमांस किंग वहां पे सर, मैं ऐसा हो ही नहीं सकता यार, फिर तुम बोलो। सो व्हाट बर्न्स इज द फ्लेम, व्हाट इज लेफ्ट आफ्टर द फ्लेम इज ऐश, द फ्लैश व्हिच इज कन्वर्टेड इनटू द गन पाउडर इज नोन एज विश्वनाथ, डजंट साउंड एज कूल एज शत्रुघ्न सिन्हा, बट Yeah. That's what it is. So basically, but Sharu, basically I'm the bomb. She's the bomb. But Sharu bhai, ye Shatru sir ke style mein to nahi ho na? Agar English mein, main aapki English bahut achhi hai. Ye Shatru sir ke style mein, thoda sa awaaz bhari karke aur kare chali kar raha kya the? Chupchap se aaja, agla wala mala. I to maine wo ready ho raha hai. Now, ladies and gentlemen, what we are getting on stage is no less than gunpowder and a bomb himself. Photo le dim. उन्होंने पूरा डांसिंग का नहीं, एक्शन का, स्टंट का और फाइट्स का पूरा निजाम ही पलट डाला है। इज अ न्यू ब्रीड ऑफ एक्टर, मेरे बहुत करीब हैं क्योंकि मेरे सबसे अजीज दोस्त के बेटे हैं, तो मेरे बेटे जैसे हैं। एंड प्लीज टुनाइट द बिगेस्ट राउंड ऑफ अप्लॉज हैज टू बी केप्ट फॉर दिस यंग बॉय हु इज गोना कम परफॉर्म हियर। प्लीज वेलकम टाइगर श्रॉफ विद सुपर डांसर किड। And now let's move on to the next award. Trick music नहीं बचता ना, कभी भी कोई भी शो में ऐसा लगता है कि वो अधूरा सा रह गया है। बात जब M for music की हो रही हो तो फिर हम मीका पाजी को कैसे बुला सकते हैं? तो मुझे लगता है मैं उनको बुलाता हूँ, वो थोड़ा सा लेट हो गए, मैं उन्हें फोन करता हूँ और पता करता हूँ मीका पाजी हैं कहां पर।
लड़कियों के पास होगा और कम. देखते हैं, पता करते हैं, फोन करके 100% दबा के देख लो. हेलो हेलो मीका पाजी, सुन रहे हो तुसी मेनू? कहाँ पे पाजी, सत श्रीकाल, नमस्कार. सत श्रीकाल, नमस्कार. मैं कपिल के साथ यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ स्टेज पे. आप कहाँ पर हो मीका पाजी? भाई मैं सिग्नल पे हूँ भाई. हाँ एक सेकंड, ये बटन दबाओ, ये वीडियो कॉल हो जाता है लाइव फोन पे. एक सेकंड करना, जियो में दबाओ ये. कौन से सिग्नल पे खड़ा है मीका? अरे भाई मैं ये जो बूथ है ना, ये सिग्नल पे है भाई, और सिग्नल बूथ है, और यहाँ का नेटवर्क बहुत अच्छा है भाई. आप जियो के सिग्नल बूथ पर खड़े हुए हो, और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो जियो का फोन है उसकी वॉइस कॉल को आप एक बटन के साथ दबाकर वीडियो कॉल में तब्दील कर सकते हो, कि मीका जैसे लोग अपनी जो हरकतें हमसे छुपा ना पाए. आप मुझे देख रहे हो? सारे सब कुछ दिख रहा है मीका, सब कुछ दिख रहा है. शरेआम शाहरुख भाई, आपको बहुत मुबारक है. सलमान भाई की फिल्म सुपरहिट हो गई है सुल्तान, और दबंग भी सुपरहिट हो गई भाई. आपको बहुत मुबारक है. थैंक यू यार मीका यार. वेल गाइस, जोरदार तालियां फॉर शाहरुख खान एंड वन एंड ओनली कपिल. मीका बाजी जल्दी जल्दी अंदर आ जाओ. थैंक यू मीका बाजी. मैं स्टेज पे बुलाना चाहूंगा टू प्रेजेंट द नेक्स्ट अवार्ड, हिलेरी क्लिंटन एंड डोनाल्ड ट्रंप. पे कैसे? हम लोग बड़े सिंपल तरीके से ऐसे 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 करके ऐसे. तुम भी आ सकते हो, कोई भी आ सकता है, ऐसे बड़ा सिंपल है. वो क्या हुआ ना कि हमारे नाम पे हमें यहाँ पे एंटर करने नहीं दे रहे थे, तो इसलिए हमने अपना नाम बदल लिया. और वैसे भी शाहरुख खान जी ने कहा है, नाम में क्या रखा है? शाहरुख खान जी ने शेक्सपियर ने कहा है वो. उन्होंने जब कहा था तब मैं वहाँ पर मौजूद नहीं थी. जब शाहरुख खान जी ने कहा तब मैं वहाँ पर मौजूद थी. यू हैव अ प्रॉब्लम. अरे यार तुम यहाँ भी आ गए, तुम कपिल शर्मा हो के सूर्यवंशम? दिन में दो तीन बार दिखे जाते हो. तुम लोग ऐसे नहीं मानोगे, ये हर जगह तंग करने आए थे. मैं सिक्योरिटी बुला के आता हूँ. जाइए जाइए जाइए. तुम लोगों को सिक्योरिटी में मारे मामा है. ये देखिए वरुण धवन. हाय हाय हाय. आप पीछे तो आप वरुण धवन ने लेडी तो के हाथी ला रही है पीछे से. वरुण धवन को खाई कर रही है. मुझे यकीन नहीं हो रहा है. वो देख, वो दिना दिन धा चिक्की दिना दिन धा हो गए. माई सेल्फ डॉक्टर मिशूर गुलाटी ICICICICI. मतलब इतनी क्यूट हीरोइन बैठी हुई है. मतलब ये हेलो श्रीदेवी जी, हेलो बोनी साहब, हेलो सिप्पी साहब, नमस्ते, हेलो आमिर खान जी. Congratulations. Thank you, Jio Filmfare. Thank you, Team Nirja. I have thanked Atul, the director, the writers, the producers, everybody else. But this time I want to thank my DOP, Mitesh Mirchandani, and the sound director, Subhash Sahu. This performance would not have been possible without the two of them. Thank you very much. Shabana ma'am, two seconds aapse chahte hain hum log. Shabana ji, assalamualaikum. Kaise hain? Namaskar Shabana. Thank you Anil. Thank you Ravina. Javed sir, congratulations. Sir, 2 seconds aap agar manch pe aa jaye, agar waise aapka dil kare to aap, I mean, it's Javed sahab ke liye ek bar zordar taaliyan ho jaye. जावेद साहब, मतलब आई लाइक यू वेरी मच, आई लव यू वेरी मच सर. ये तो आमतौर से लोग ऐसे ही महसूस करते हैं. सर इनके लिए कोई गाना, आई मीन तुमको देखा तो ये ख्याल आया, जिंदगी धूप तुम घना सा. थोड़ा सा इधर आ जाए, सॉरी थोड़ा सा और करीब आ जाए सर. और पास सर थोड़ा और. आपकी अपनी बीवी है, आई मीन शाहरुख भाई आप तो रोमांस के देवता हैं, मतलब ऐसा हिंदुस्तान में कहा जाता है. जावेद साहब तो आपकी मोहब्बत है. देखिए इससे पहले कि जावेद साहब कुछ कहें, मैं आपको ये बता दूं कि मेरे पास आमतौर से लड़कियों का एक झुंड आता है और वो कहते हैं कि आप कितनी लकी हैं, आपके शौहर कितने रोमांटिक गाने लिखते हैं, तो आपके ऊपर उन्होंने कितनी शायरी की होगी ना. तो मैं उनसे कहती हूं कि इनमें एक रोमांटिक हड्डी नहीं है. जी एक रोमांटिक हड्डी नहीं है जावेद अख्तर में. तो मैं
जब ये शिकायत करती हूँ तो इनके पास एक जवाब है उसके लिए। भाई बहुत सीधा जवाब है, वो लोग जो सर्कस में ट्रेपीज में काम करते हैं वो घर में क्या उल्टे लटके रहते हैं? तो आज इतना ब्यूटीफुल कपल यहाँ पे मौजूद है, जावेद सर गुस्ताखी माफ, अगर हम शाहरुख सर के गाने पे, आई मीन शाहरुख भाई आप किसी को भी रोमांस सिखा सकते हैं मुझे ऐसा लगता है। रोमांस जैसे शबाना जी ने कहा कि जावेद साहब बिल्कुल भी रोमांटिक नहीं है, तो मुझे लगता है आज आपको एज ए शागिर्द, क्योंकि उन्होंने बड़े अच्छे अच्छे गाने लिखे हैं आपके लिए, थोड़ा सा देखना चाहते हैं आप तो हम करवाएंगे, नहीं तो आपकी मर्जी है, और आपकी तालियां इस चीज का गवाह होनी चाहिए और जोरदार। So can we have a song please?